नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर करारा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भी क्लास लगाई। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना के बीच में बिहार की बिगड़ती स्थिति पर सरकार को घेरा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। ये बेवकूफ किसको बना रहे, ये धोखा किसको दे रहे, ये झूठ किसको बोल रहे। अब बताइए, सदन में रह करके सदन को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये कितना उचित है। आप लोग समझ जाइए कि कोरोना के फर्जीवाड़े को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के हद हो गई, हद पिट गया है। मतलब अब तो कोई सीमा होनी चाहिए झूठ बोलने की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कई बार जब निकलने को हमने कहा उसके बाद बाहर निकले और जनता का हाल जाना। मुख्यमंत्री जो हैं लगातार 136 दिनों से बाहर नहीं निकले थे, विधानसभा में निकले, हम कहे तब जाकर के हेलीकॉप्टर पर बैठ करके दिखावटी जो है दौरा किए, बिस्कुट बांटे, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों के सामने। जब प्रेस बंधुओं ने पूछा कि बिहार में सबसे कम डॉक्टर होने के बावजूद सबसे अधिक डॉक्टर बिहार में ही कोरोना काल में मरे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा सरकार को सिर्फ स्वास्थ्य सचिव बदलना आता है। डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को पीपी किट नहीं मिल रहा। बिहार की अगर बात करें तो एक आंकड़ा सामने आया है जहां आधा से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा डॉक्टर जो है वो केवल 3 जिला में है। बिहार में जितने डॉक्टर हैं उनकी जो नियुक्ति जो की गई है 50% यानी आधा से ज्यादा केवल 3 जिला में है, बाकी जिला जो है भगवान भरोसे है। और इसमें पटना है जहां सबसे ज्यादा है, एक मुजफ्फरपुर है और एक दरभंगा है। 3 जिला है जहां 50% से भी ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। ये तो आंकड़ा जो है किसी से छुपता नहीं है। और कैसे बीते कुछ दिनों में नए स्वास्थ्य सचिव के आने के बाद 50,000 से अधिक सैंपल की जांच हो रही है, या हम सभी के सोच से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।